हेलो तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एक्स और एवर ऑफिशियल। आज की वीडियो थोड़ी सी अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एडिट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर अपनी कर रहा हूँ। वीडियो देखें, काफ़ी मज़े की है। यहाँ पे गेम में हम पीक की तरफ लैंडिंग करवा देते हैं। मैं स्कोर में देखता, मेरे पास कोई बंदा तो नहीं है, लेकिन जब देखता हूँ बंदा नहीं है, जब नीचे उतरता हूँ तब भी पता लग जाता है कि मेरा राइट साइड पर बंदा है। वो दस्ती ग्लोवा लगा लेता है। मैं बैक में जाता हूँ डबल स्विच वेक्टर करके। यहाँ पे तीन बंदे होते हैं सीज़न टू के। सीज़न एक बंदा इसका नॉक कर देता हूँ और एक मुझे सीज़न टू मार देता है। इसका नेम मुफलिस होता है। मैंने कहा चल बेटा तुझे पकड़ते हैं। फिर मैं शदील कहता हूँ यार मुझे किसी तरह रिवाइव कर दे। शदील कहता है मेरे पास 400 टोकन है। मैंने कहा मुझे 600 वाला चाहिए। फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेता। मैं कहता हूँ 600 वाला ले लेंगे। तो यहाँ पर इनके पास बंदे होते हैं पीक पर। पीक पर पता कितना बंदा होता है। यहाँ पे ये गुजर एक बंदा और मार देता है। स्टील कहता है यार तुझे मैं रिवाइव उठा देता, मेरा भी कुछ पता नहीं है। मैंने कहा चल तो उठा दे, 600 वाला होगा 600 वाला कर दे, 400 वाला होगा 400 वाला कर दे। मैंने जब देखा गुजर के पास 600 टोकन, मैंने उसको कहा, कहता मेरे पास बंदा। मैंने कहा चल ठीक है तू खेल, मुझे 400 वाले कर दें। फिर ये खेलता है लेकिन ये मर जाता है। फिर यहाँ पर मैं कहता हूँ चल आ जा, तेरा बदला मैं ले लेता हूँ। यहाँ मैं नीचे उतरता हूँ। नीचे मैंने ना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो वो जाके लाजमी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम बातें शातें कर लिया करेंगे, आ जाया करना जिसने बात करनी हो। यहाँ पे मैं कोने पे खड़ा होता हूँ टोकन क्लेम करके। मैं कहता हूँ चलिए बंदा अल्टीनो वाला इधर आएगा पास, तो ये ऊपर से मुझे मार देता है। तब मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तब मैंने गाली भी निकाली थी मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया था। फिर मैर भाई को सारे मिंतरले कर रहे होते हैं यार किस तरह रिवाइव कर दो, जल्दी जल्दी रिवाइव कर दो, किले किसी के भी नहीं हैं इतने। फिर ये मेहर भाई हम रिवाइव उठाते हैं। फिर मैं कहता हूँ यार शदील पीक पे चलते हैं, लेकिन पीक यहाँ से बहुत दूर थी, हमसे जाया नहीं जाना था। तो हम तकरीबन पीक के पास तो कोटा टू है, वहाँ पर चल जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर गुजर मेरा टीम में नॉक हो जाता। फिर मैं उसको टमाटर दे के ओनली मारता हूँ। फिर ये शदील को लूट की पड़ी होती है, वो लूट करता है, मैं उसको रिवाइव कर देता हूँ। ग्रैंड मास्टर बुशिंग पे हील पिस्टल तो भाई बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। हील पिस्टल स्कोर भी, हील पिस्टल का मेरे पिछली बार बैच लग गया था, इस बार देखो लगता है नहीं, क्योंकि हमने पिछले बार मिशन किए थे, लेकिन इस बार मिशन नहीं कर रहे थे। जब बस जो बंदा डैमेज जिस बंदे को डैमेज जोन ने कट किया हो या बंदे ने डैमेज दिया हो, तो उसको हम बस हील करके गुजारा कर लेते थे, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता था। यहाँ पर पीक पर आता हूँ, सीज़न टू आकर टक्कर जाता है मेरे। फिर यहाँ पे सीज़न टू को नॉक करता हूँ मुफलिस को। फिर ये एक टीममेट मुझे नॉक कर देता है, मेरे टीममेट को नॉक कर देता है। मैं इसको पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे बहुत अमेजिंग होने वाली है। यहाँ पे मैं भाई मैं क्या लैब कर तो गया। फिर यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने थॉमसन के साथ मार दिया। उसके बाद डबल शॉटगन थी मेरे पास, डबल शॉटगन स्विच ही नहीं हो रही थी मेरी। ले ही जाता हूँ फिर भी तीन बंदे इनके सीज़न टू की स्क्वाड के। जिस बंदे ने मुझे मारा था उसी बंदे की मैंने, उसी टीम की मैंने तीन बंदे मार दिए यहाँ पे आके। यहाँ पे मेरे 4 किल हो जाते हैं, और मैं कहता हूँ भाई 4 किल तो बहुत कम है, ग्रैंड मास्टर पुश करने ज़्यादा किल चाहिए। तो यहाँ पे मैं लूट करता हूँ जाके अपने रिवांस ज़रा लूट करते। शदील को भी लूट पड़ी होती है, पता नहीं ये क्या खा के आया। इसको लूट के अलावा इसके ना मैं क्या ही बोलूँ, आप कुछ कह भी नहीं सकते, दोस्त है। तो यहाँ पे गुजर कहता है कि यार मेरे पास बंदे हैं, वहाँ पे जल्दी आओ, वहाँ पे फ्री के किल मिल रहे हैं। मैंने कहा चलो, वो उसको पहले रिवाइव कर, शदील उसको रिवाइव करता है और हम उसके पास जाते हैं। कहता खपड़ डाल देता गेम के अंदर, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। फिर उसके पास जाते हैं। जाहिर सी बात है टीम मेट ने बुलाया तो जाना तो पड़ना है, ग्रैंड मास्टर पुशिंग हो रही है। तो मैं जाता हूँ घटाना छोड़ के, वो उतरता है, पूरी स्क्वाड होती है वहाँ पर। मुझे कहता फ्री के किल मिल रहे हैं, मैं तो चला जाता हूँ। और मैं शदील का वेट कर रहा हूँ, शदील का था मेरे पास भी बंदा है। मैंने कहा चल यार यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पूरी स्क्वाड है, यहाँ पे वो उतरता है, उतर साथ नॉक हो जाता है। फिर मैं थोड़ा ना वेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा यार चलो सब्र करो, सब्र का पहले मीठा मीठा होता है, लेकिन पता नहीं मेरे नसीब में नहीं था। यहाँ पर मैं देखता हूँ पैक अंदर होता है, उसको मैं डैमेज, इतना मैंने डैमेज दिया मरा ही नहीं है यार वो। यहाँ पूरी स्क्वाड मेरे पर रश कर देती है। यहाँ पर मैं गया, मुझे यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है। वो मुझे कहता है तेरे फ्री के किल तुझे मिलेंगे, यहाँ पे आ जाओ। मैं यहाँ पे वहाँ पे जाता हूँ, तो भाई साहब मेरे पहले छुटकारा लग जाता है वहाँ से। फिर यहाँ से मेहर भाई की फिर मिनत करते हैं। मैंने कहा यार मेहर जल्दी रिवाइव कर दे, किल अभी भी तकरीबन 4 ही हैं।
तो वो जाके रिवाइव कर देता है, रिवाइव करते हैं। मैं कहता हूँ यार शदील यहाँ पे बंदे हैं पिंक मशीन के पास, मुझे फायर की मैप में फायर शो है और तीन तीन बंदे नीचे लैंड भी हो रहे हैं, आ जा इधर। वो तो वहाँ पे आता नहीं है फिलहाल, मैं कहता मैं ही जाता हूँ, मुझे किल मिल जाएंगे अगर हो सके तो। मैं नीचे उतरता ही हूँ, जब उतरता हूँ तो मैं उसके पास जाता हूँ, वहाँ पे वो इजी होकर लूट कर रहा होता है। मैंने कहा बेटा तुझे मैं पकड़ता हूँ, यहाँ पे मेरा एम उस पर जल जाता है, ओनली टमाटर इसको नॉक, पीछे से मुझे MP40 से मार देता है। मैं कहता ये पीछे से मारने वाले सामने से वार करने से वो डरते हैं। फिर मैं कहता हूँ मैं जल्दी रिवाइव कर, क्योंकि तू हमारा सर्वाइवर है, हमें प्लस चाहिए, जल्दी जल्दी सर्वाइव कर दे। यहाँ पे गुज्जर बनी को मार रहा होता है, पता नहीं मरता है नहीं, मैंने इस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। फिर मैं कहता हूँ चल शदील आ जा, इकट्ठे चलते हैं वहाँ पे, वहाँ पे बंदे हैं किल भी मिल सकते हैं, और वहाँ पे बंदे हैं पिंक मशीन भी है, टोकन भी मिलेंगे, टोकन से हम थोड़ी सी वो लूट भी कर लेंगे पिंक मशीन से, वैसे तो हमारे पास लूट है नहीं है। फिर कहता चल ठीक है बकर आ जा, चलते हैं इकट्ठे वहाँ पे जाकर बंदे मारते हैं। यहाँ पे गुजर साहब फिर नॉक हो जाते हैं, और ये तहा उसको कह रहा होता है कि शदील के बकर ये क्या कर रहे हैं। फिर यहाँ पे एक बंदा होता था उसको नॉक करके शदील एक को शदील नॉक करता है, एक को मैं कर देता हूँ। फिर यहाँ पे पहले हम इजी हो गए लूट कर रहे होते हैं, मुझे छोड़ गए ACAT मिल जाती है। फिर शदील कहता शदील मेरे पास मेडिकेट नहीं है। मैं कहता शदील 300 टोकन दे यार, मैं ना इसको रिवाइव उठाऊँ, उसने खपड़ डाल दी थी, टोकन स्विच करो टोकन स्विच करो टोकन स्विच। फिर जाहिर से बात करने थे पढ़ने थे तो मैं रिवाइव करना था। फिर मैंने उससे टोकन लिए 600, जिसको मैंने रिवाइव कर दिया। फिर मैंने भी कुछ चीज़ें एमओ वगैरह, मेरे पास एमओ नहीं थी मेरे ख्याल से, मैंने एमओ वगैरह फ्री की पिंक मशीन है जाहिर सी बात है फ्री की एमओ वगैरह मिल जाती है, यहाँ से मैंने एमओ उठाई। एमओ उठा के मैं कहता हूँ यार शदील वहाँ पे साइड पे बनता है एक, उसको देखना पड़ना है, लेकिन वो हमारे नसीब में ही नहीं था, हमें वो मिला ही नहीं। फिर शदील मैं कहता हूँ शदील मेरे पास मेडी नहीं है, किस तरह मेडी का अरेंज करते? वो कहता मेरे साथ आ पहले कवर में लेते हैं, कवर करते हैं वहाँ पर जाके हम एक दूसरे को ट्रीट कर देते हैं, ट्रीट करते हैं तो ना। मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट कर ले, जोन स्टार्ट हो गया, थोड़े जोन के साथ साथ ही हम निकल जाएंगे। लेकिन लाउंज पैड से आगे बंदा आ गया, मैंने कहा सिचुएशन काफ़ी टफ है, 29 बंदे अलाइव थे इतने से जोन में, और वो कहता मेरे पीछे आ। मैं कहता हूँ तू रहन दे, तू मेरे पीछे आ, फिर इसको मैं लेके जाता हूँ अपने साथ। मैं कहता यहाँ से वहाँ पर लाउंज पैड लगा हुआ, यहाँ पर निकलता हूँ, कोने पर बंदा होता है लाउंचर मारता है, मैं तो नोक हो जाता हूँ, शदील की फुल पावर डाउन, वो दिमित्री लगा देता है, फिर मैं तो रिवाइव हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ जोन है काफ़ी कटना करे, तात सुजे लगा के जोन के अंदर, या फिर मैं ग्लू लगा के ना वो ट्रीट कर रहा था, मैं मेडी कर रहा था, मैं लास्ट मेडी होती है। फिर मैं जहरी से बात है, मैंने भी खबर डालनी थी, मुझे तो ट्रीट करिए मेडिकेट दे। फिर वो मुझे ना कहता मेरे पास है, मैं तुझे ट्रीट करता हूँ। फिर वहाँ पर मैं ग्लू लगाता हूँ, वो पीछे से मुझे ट्रीट करता। फिर मैं उसको कहता हूँ यार मुझे मेडिकेट दे दे, एक एक ही दे दे। फिर मुझे एक सुपर मेडिकेट दे देता है वो, पीछे से बंदा होता था, उसको डबल शॉट मारा शदील भाई ने, माशाल्लाह किल ही मेरा चोरी कर लिया। मैं कहा शदील भाई मर्जी है, कहता यार कुछ तो करना पड़ना था ना। मैं कहा चल ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैं उसको कहता मेडिकेट दे दे, कहता मैं तो ये दी तो है। फिर मैंने देखा तो मेरे पास मेडिकेट थी, फिर मैंने कहा चल रहने दे। फिर यहाँ पे एक बंदा गाड़ी पे आ रहा होता है, मैंने अन्य आवाज़ को मैंने एम करके मार दिया, वहाँ पे तुक्का लग गया मेरा रेड पे, वो मैंने पीछे देखा टीका लगा आ रहा है, उसको मैंने पहले फिनिश किया। फिर मैंने शदील को रिवाइव किया, शदील कहता क्या हुआ? मैंने कहा यार जो वो टीका लगा आ रहा था, कहता चल ठीक है। फिर मैं उसको ट्रीट कर देता हूँ, ट्रीट करता हूँ, मैं उसकी लूट करता हूँ, पर तगड़ी लूट होती है, फिर मज़ा भी आता है काफ़ी। आगे वाला जो मैच ना काफ़ी अमेजिंग होने वाला, वीडियो लास्ट तक वॉच कर लेना आप लोग। यहाँ पे शदील भाई आगे जाके ना नॉक हो जाते हैं, देखिए बड़ी मस्जिद से जा रहा था। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये मशरूम, शदील खपड़ डाल देता है मेरे पास, हमें वो भी नॉक मैं भी नॉक, फिर मैं जाता हूँ उसके पास। शदील को रिवाइव तो करना था ना, फिर यहाँ पे रिवाइव कर देता हूँ। मैं कहता हूँ शदील वहाँ पे, वो भी दोनों गए ऊपर से, उन दोनों की खपड़ लेता, रिवाइव 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 चाहिए रिवाइव चाहिए। मैंने कहा यार चल शदील ऐसा अगर टोकन पकड़ मेरे से, अगर हो सकता है तो रिवाइव कर दे, नहीं हो सकेगा तो ना करें, उसको मैं टोकन देता हूँ, मैं आगे जाता हूँ। वो भी यार क्या बंदा है यार, शदील जाके रिवाइव कराता है उनको, मैं होता मैंने कभी भी नहीं जाना था। यहाँ पे गाड़ी में बंदा मुझे, इससे मुझे इतना खपाया, इसका नेट ख़राब था, पता नहीं कहाँ कहाँ आई जा रहा वापस। वो देखो वो नीचे जाता था, बारह ऊपर आ जाता था, उसको मैंने डैमेज काफ़ी दिया, लेकिन ये पता नहीं क्या खा के आया हुआ था, मर नहीं रहा था मेरे से। फिर मैंने कहा यार चल बेटा तू तो आएगा मेरे पास, ये देख कहाँ से गाड़ी लेके वो आ गया। फिर यहाँ पे मैं इसको काफ़ी कोशिश करता हूँ, मैंने कहा तो लग ही जाए, लेकिन लगता ही नहीं है। 30 की एक आधी गोली लगती है, 30 की या 20 की। फिर मैं कहता हूँ यार इसको पकड़ना पड़ना, वरना अगर मैं निकला समझे गाड़ी से उड़ा देना। ये अल्लाह अल्लाह करके ऊपर आता है, इसको मैं
मार देता हूँ, इसकी पूरी टीम आउट हो जाती है। यहाँ मैं कहता हूँ बकर थोड़ा सब्र कर, जितना सब्र हो सकता है उतना कर, क्योंकि सब्र का वाला हमेशा मीठा होता है। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया, मैंने कहा यार, फिर वहाँ पे मेरे टीममेट भी माशाल्लाह यहाँ पे सारे निकल जाते हैं, एक गया और ये दूसरा भी मरने वाला ही है। यहाँ पर मैं इसको दो गोली लगाता हूँ बॉडी तगड़े वाले, लेकिन वो मरते ही नहीं है। वहाँ पे ऊपर वो कहता मेरे पर मेरे पास आ जा, मैं उसके पास जा रहा था, वो भी नॉक हो जाता है। फिर यहाँ पे मैं उसको बंदे को फिर दो बॉडी शॉट कराता हूँ, मरता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ गया होगा। यहाँ पे जो सिचुएशन हुई थी ना मेरे साथ, मैं कहता हूँ बहुत ही टफ थी। मैंने कहा यार मैं तो ये निकाल नहीं सकता भैया। उसने मुझे कहा, कहता गुजर ने कहा, टीममेट ने कहता बकर ये भैया निकाल दे बस किसी तरह। मैंने कहा चल ठीक है ट्राई करता हूँ फुल, लेकिन मैं भी एफिशिएंसी मारना शुरू कर दी, मैंने वन टैप खेलना शुरू कर दिया एफिशिएंसी के चक्कर में। उसने मुझे कहा यार एफिशिएंसी के चक्कर में भुजिया ना गवा दी। फिर मैं कहा चल ठीक है, यहाँ पर मैं एक नॉक करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन हो जाती है। फिर यहाँ पर एक दो दो नॉक हो जाते हैं, फिर मैं एक को फिनिश कर देता हूँ अपने आप। ये भूकों को लेके मैं बस आता हूँ अपने आप कवर करने के चक्कर में, रिवाइव बंदा होने देता हूँ। मैंने कहा चल ठीक है रिवाइव होने दे, लेकिन भुजिया ना जाए हाथ से। फिर यहाँ पे वही बंदा जो रिवाइव हुआ था उसको नॉक। फिर मैं कहता चल ठीक है बकर वन टैप खेलते हैं ज़रा शुगल मेला का, शुगल मेला ठीक। यहाँ पे उसको भी मार देते हैं। ये वाला काफ़ी मज़े का भुया हुआ था, इसके अंदर सीज़न टू भी आया था, काफ़ी मज़ा आया था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है तो वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर बातें शादी कर लिया करेंगे। और मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।